तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, साइक्लोएल्केन बनाने की विधियां। अगर किसी ने साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस नोटबुक पेन साथ लेके बैठे और जो लिखवा रहा हूँ बोल रहा हूँ वो लिखते रहना। तो शुरू करता हूँ फिर अपना टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। देखना जरा पहला मेथड क्या लेता हूँ मैं, डाल देता हूँ मैं हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। ओके सर, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। ओके सर, बनाने की विधियाँ हैं। तो सबसे पहले देखो कई मेथड आते हैं, लेकिन जो पहला मेथड करवाऊंगा ना मैं, तो वो होता है डिकमान मेथड, या फिर बोल सकते हो आप डिकमान की चक्रीयकरण विधि, या शॉर्ट में बोल दो डिकमान मेथड, ठीक है, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर मैं डाल देता हूँ इसका, देखो इसका बेटा फर्स्ट नंबर है मेरे पास, क्या नंबर है, डिकमान, ठीक है, डी आई ई सी के, डिकमान, ठीक है, साइक्लिजेशन, साइक्लिजेशन, ठीक है, मेथड, ओके, यानी के डिकमान की चक्रीयकरण विधि, जो बोल रहा हूँ लिख लेना हिंदी में, डिकमान की चक्रीयकरण विधि। मिक्सिंग लिख का आओ, जितना ज़्यादा हो सके उतनी इंग्लिश लिख का आओ पेपर में, तभी तो आपके अच्छा नंबर मिलेंगे। हिंदी में बहुत कम पढ़ता है टीचर यार, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश वाले होते हैं टोटल, ठीक है, तो हिंदी में जहाँ तक हो सको इंग्लिश वर्ड यूज़ करके आओ, बस का की के ये सब हिंदी में यूज़ करके आओ, बाकी सब इंग्लिश वर्ड यूज़ करो आप, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, डिकमान साइक्लिजेशन मेथड, ठीक है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा, इसकी थ्योरी मैं बाद में ले आऊँगा, सबसे पहले ना इसकी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन याद है तो थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो भाई, ओके। देखो सबसे पहले नंबर इसमें मेरे पास आता है बेटे, मैं लूंगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का डाइएस्टर, क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों के डाइएस्टर। देखो जरा ध्यान से मैं कह लेता हूँ, लाइन पे ध्यान देना, टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बेटे ये है मेरे पास डाई बेसिक अम्लों का, डाई बेसिक, जरा लाइन पे ध्यान देना, C2H5, ओके। थोड़ा सा नाम बड़ा, सोच रहे होगा यार पहली बार इतने बड़े शब्द आ रहे हैं, हो तो हो कैसे, C00C2H5, इसका नाम है एथिल पाइमेलेट, क्या नाम है, एथिल पाइमेलेट, आराम से समझो, ज़्यादा जल्दीबाजी किसको है, एथिल पाइमेलेट, ओके, एथिल पाइमेलेट, ठीक है, एथिल पाइमेलेट, ओके, ठीक है, इसका नाम होता है एथिल पाइमेलेट, ना भी लिखोगे तो कोई बात ना चलेगा, है ना। तो प्रेजेंट जो रहता है मेरे पास बेटे यहाँ पर, जो प्रेजेंट होता है वो होता है सोडियम, ठीक है, यह ले सकते हो आप सोडियम एथोक्साइड, यह ले सकते हो आप सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम या सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में जब करोगे इसको हीट, क्या करते हो एक हीट, तो बेटे एक कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, एक कंपाउंड बनता है। अब वो कंपाउंड कौन सा बनता है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो क्या बना रहा हूँ मैं, CH2 सिंगल बोन CH2, इसको हमें ऐसे ही रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, CH2 और ये मेरे पास CH2, ठीक है। अब जरा ध्यान देना है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से C2H5O और एक एच यहाँ से, ठीक है बेटे, सिंगल बोन यानी कि माइनस कर दिया मैंने, C2H5OH, ध्यान देना ज़रा, C2H5 और A को यहाँ से, एक एच यहाँ से, ठीक है, C2H5OH, अब मेरे पास यहाँ CH रह गया, मेरे पास क्या रह गया, यहाँ CH रह गया, ठीक है। अब एक लाइन पे तो मैं ध्यान देना है, मेरे पास ये C2H5O और एक एच बाहर हो गया, मेरे पास रह गया सिर्फ यहाँ कितना बेटे, CO। अब सोच रहे हो गए ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, तो बेटे ये यहाँ आ जाता, ये आ गया यहाँ उठ के, लो साहब C2H5, ये कुछ इस टाइप से आ गया उठ के, है ना। तो ये हमारा एक कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, हमारा एक कंपाउंड बन गया। अब कुछ नहीं करना है, इस कंपाउंड का कर देना है जल अपघटन, क्या करना है बेटे हमें, इस कंपाउंड का कर देना है जल अपघटन, ठीक है। जब मैं इस कंपाउंड का जल अपघटन करता हूँ, तो जल अपघटन का मतलब समझते हो ना, जल से क्रिया, हाइड्रोलाइसिस, ओके सर। अब क्या होगा, C2H5 और इस बेचारे H को ना, C2H5 और इस बेचारे OH को इसके साथ डाल दो, और एथिल अल्कोहल यहाँ से भी क्या हो जाता है, बाहर कर दो, कर दिया मैंने बाहर। अब मेरे पास क्या बना, CH2 सिंगल बोन CH2, ठीक है भाई, फिर सिंगल बोन CH2, फिर सिंगल बोन CH2 नहीं बनेगा, यह जगह मेरे पास C00H, ठीक है, और ये मेरे पास ऐसे रहेगा CO, और प्लस यहाँ से मेरे पास बाहर क्या हुआ, C2H5OH। तो मैंने C2H5O और एक H बाहर कर, मतलब C2H5O और C2H5 और एक OH मैंने यहाँ से बाहर कर दिया, ठीक है, C2H5OH के फॉर्म में, खाली H बचा वो मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसको बोलते हैं हम बीटा कीटो, ठीक है, एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड तो बन गए साहब, ठीक है।
बीटा कीटो एसिड तो बन गए, अब कुछ नहीं करना है, बस हीट कर देना है। इसको बोलते हैं बी कार्बोक्सिलन, ठीक है। एन यू एच कास्टिक सोडा बोल दो, प्लस सी ओ एच, या फिर एन यू एच की उपस्थिति में क्या कर दोगे, हीट कर दिया ना हमने इसको। जब हीट कर दोगे तो यहाँ से सी ओ टू क्या होगा, बाहर हो जाएगा बेटे। क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, सी ओ टू बाहर हो जाएगा, ठीक है। यह वाला सी ओ टू जब बाहर होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सी एच टू। ओके सर, सी एच टू, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड सी एच टू, और फिर सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। ये सी ओ टू बाहर हो गया तो एच एच जुड़ गया, सी एच टू हो गया मेरे पास, आ गया मेरे पास सी ओ, तो क्या बना मेरे पास, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटोन। क्या बना, साइक्लिक कीटोन, या फिर बोलोगे इसको आप बोलोगे साइक्लोपेंटेनोन। क्या बोलोगे इसको आप, साइक्लोपेंटेनोन, ये मैं लिख दे रहा हूँ, साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन बन गया हमारा ये, ठीक है। या साइक्लोपेंटेनोन भी नाम होता है इसका, तो साइक्लिक कीटोन या साइक्लिक पेंटेनोन बन गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, अब करवा देना है इसका हमें अपचयन। क्या करवा देना है बेटे इसका हमें, अपचयन करवा देना है। अपचयन होता है क्लीमेंसन अपचयन, और क्लीमेंसन अपचयन जो होता है वो जिंक प्लस मरकरी और एस सी एल की उपस्थिति में होता है, ठीक है। जो क्लीमेंसन अपचयन होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है बेटे, जिंक प्लस मरकरी और एस सी एल की उपस्थिति में होता है। कौन सा, क्लीमेंसन अपचयन। तो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं 4H, ओके, ऊपर मैंने 4H कर दिए, और नीचे आ गया मेरे पास क्लीमेंसन अपचयन वाला ZN, ठीक है, और प्लस मरकरी, और मेरे पास क्या आगा बेटे, HCl। ये है मेरे पास क्लीमेंसन रिजेंट, जिसके द्वारा अपचयन होता है, इसके बिना अपचयन नहीं होगा, ठीक है। तो 4H जब क्या करवाऊंगा, तो देखो 2H, ध्यान देना यहाँ पे लाइन पे, 4H है तो 2H के साथ एक को गायब हो जाएगा, 2H के साथ एक को तो हमारा गायब हो गया, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास 2H, यहाँ डाल दो, तो ये बन गया मेरे पास प्लस, मेन कंपाउंड बना CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH2, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास CH2, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है इसका बेटे, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। और इस हिसाब से हमारा ये साइक्लोपेंटेन बनके तैयार होता है, कौन से मेथड द्वारा, डिकमान मेथड द्वारा। अब अगर चाह रहे हो तो थ्योरी आप लिख भी सकते हो, थ्योरी के लिखोगे आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लीमेंसन अपचयन करा है, जिंक अमलगम बाई एस सी एल की उपस्थिति में क्लीमेंसन अपचयन होता है, तो 2H मैं यहाँ डाल दूंगा, सी एच टू बन गया, और एक और 2H बाहर हो जाएगा। बी एस सी फिफ्थ सेमेस्टर में हो यार, पूरी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया, तो इतनी तो नॉलेज हो ही गई होगी रिएक्शन बनानी कैसे है हमें, ठीक है, रिएक्शन कहाँ से कहाँ को बनानी है। चलो सब आगे देखो जरा, अभी अब चाह रहे हो तो उसकी रिएक्शन ले सकते हो आप, जब डाई बेसिक अम्लों के एस्टर को, जब डाई बेसिक अम्लों के किसको बेटे, एस्टर को सोडियम या सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं, और साइक्लिक कीटोन का अपचयन करने पर हमारा क्या बनता है बेटे, साइक्लोपेंटेन बनता है। बस ये थ्योरी है, और इसी मेथड को हम बोलते हैं डिकमैन साइक्लिजेशन मेथड, ओके, यानी कि डिकमैन की चक्रीयकरण विधि। अब मैं ये थ्योरी यहाँ लिखने वाला हूँ, इस थ्योरी पर तो थोड़ा फोकस करना, लिख लो यार, क्योंकि भाई बड़ी ज़रूरी है थ्योरी भी। तो मेरे पास क्या लिखूंगा मैं, देखो जब डाई बेसिक एसिड के एस्टर को, ठीक है बेटे, डाई बेसिक एसिड के एस्टर को, ठीक है, या तो होगा मेरे पास सोडियम, या होगा बेटे सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa के साथ क्या करते हैं हम, के साथ, ठीक है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनते हैं बेटे, तो मेरे पास क्या बनता है, साइक्लिक कीटोन बनते हैं। गर्म किया जाता है तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं, साइक्लिक कीटोन, ठीक है, बनते हैं, ओके, इसको हटा दिया प्लस को, ठीक है, जरूरी नहीं है ये वाला, साइक्लिक कीटोन बनते हैं, जिसका अपचयन करने पर साइक्लो एल्केन बनते हैं, ठीक है, बनते हैं जिनका अपचयन करने पर, ठीक है, जिनका अपचयन करने पर साइक्लो क्या बनते हैं, साइक्लो, ठीक है, एल्केन बनते हैं, एल्केन बनते हैं। और इस तरह से ये छोटा सा मेथड हो गया। अब बताओ इसमें समझ में क्या नहीं आया, एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एथिल पाई में लेट लेना है, ठीक है, एथिल पाई में लेट ले लिया हमने, यानी कि डाई बेसिक अम्लों का एस्टर ले लिया हमने, डाई बेसिक अम्लों का एक एस्टर लिया है, सोडियम और सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया, बस एक अणु C2H5OH का बाहर कर दो, C2H5 एक ओ यहाँ से और एक एच यहाँ से, ठीक है, C2H5 ये हमारा बाहर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास खाली CO बचा, वो ऐसे रह जाएगा, और जो C2H5 है बोर्ड के हमारा नीचे आ गया, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद में जस्ट देखो, इसके बाद में जो आगा मेरे पास,
कुछ नहीं है, सिंपल सा मेथड है बिल्कुल, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, अब करवा दिया मैंने इसका जलब बटन हाइड्रोलाइसिस। जब हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ मैं, तो ये वाला जो OH है और जब मेरे पास ये C2H5 है, वो एथिल अल्कोहल के रूप में बाहर हो गया, केवल H बचा, वो मैंने यहाँ डाल दिया, बीटा कीटो एसिड बन गया मेरे पास। जब मैंने गर्म करा, ठीक है, तो यहाँ से गर्म करने पर CO2 क्या होती है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को जब गर्म करते हो तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है, तो मेरे CO2 बाहर हो गई, गर्म करने पर क्या बन गया, साइक्लिक कीटोन बन गया मेरे पास, है ना। इसका नाम है साइक्लो, क्या नाम है इसका, साइक्लोपेंटेनोन, क्योंकि ओन लगा पड़ा तो पेंटेनोन हो गया। अब कुछ नहीं करना, क्लीमेंसन ऑप्शन कर देना, जिंक अमलगम बाई HCl की उपस्थिति में जब करते हो ऑप्शन 4H के साथ, तो मेरे पास 2H मैंने यहाँ डाल दिए और 2H और एक और J वाला बाहर हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हमारे साइक्लोपेंटेन बन गए डिकमैन साइक्लिजेशन मेथड द्वारा। ओके, अब इसके बाद पढ़ते हैं परकिन विधि, वो भी बड़ी ज़रूरी है, तो यहाँ तक का स्क्रीन शॉट ले लें, क्योंकि परकिन विधि भी इसी के बराबर है। जो हमारा मेथड आ गया वो आ गया बेटे परकिन मेथड। परकिन मेथड भी बड़ी इजी है, थ्योरी आप खुद लिखना, बस परकिन मेथड की रिएक्शन मैं करवाऊंगा, क्योंकि रिएक्शन बड़ी ज़रूरी है। जहाँ रिएक्शन आ गई, ठीक है, वहाँ थ्योरी काम नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ रिएक्शन काम करती है। ओके, देखो जरा ध्यान से, तो मेरे पास कौन सा मेथड आ गया बेटे, परकिन मेथड आ गया, परकिन, ठीक है, परकिंस मेथड। ओके ओके सर, परकिंस मेथड पढ़ा रहे हैं आप साइक्लो एल्केन बनाने का। तो इसमें बेटे इसमें होते हैं डाईहैलाइड, इसमें क्या होता है, डाईहैलाइड होता है, ध्यान देना लाइन पे, CH2, ठीक है, और CH2, ये मेरे पास क्या है, डाईहैलाइड। चलो मैं BR लूँगा, क्योंकि BR का रिजल्ट जो होता है ना, वो अच्छा आता है, CL से BR अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया मेरे पास एथिलीन डाइब्रोमाइड, या आप डायरेक्ट बोल दो डाईहैलाइड, ठीक है बेटे, ये मेरे पास डाईहैलाइड हो गया। चलो ठीक है, डाईहैलाइड बन गया। अब देखो जरा, तो ये डाईहैलाइड होता है हमारा, इसकी क्रिया करवानी होती है हमें मेलोनिक एसिड से। अब ये मेलोनिक एसिड क्या होता है, उस पर भी ध्यान दो, CH2 COO C2H5, ठीक है, फिर COO C2H5, ये होता है मेलोनिक एसिड, क्या नाम है इसका, मेलोनिक एसिड, ठीक है, मेलोनिक एसिड। चेंज टू, कर दो गरम, वो भी C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में हम करते हैं इसको हीट, क्या करते हैं बेटे, गरम करते हैं। तो हमारा देखो यहाँ से बाहर क्या होगा, क्या बाहर होगा वो हम चेक कर लेते हैं, ये वाले 2H और ये वाले 2BR करते हैं बाहर, सिंगल बॉन्ड 2HBR हमारा बाहर हो गया, यानी कि -2HBR, सिंगल बॉन्ड नहीं है, -2HBR हमारा बाहर कर दिया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि 2HBR ये बाहर जा रही है बस। अब बाकी ऐसे जोड़ दो, लो साहब, बाकी मैंने ऐसे जोड़ दिया, बस बन गया। लो साहब, किसने कहा कि ज़्यादा हार्ड होते हैं ये, C OO और C2H5, फिर COO और C2H5, ठीक है, ये अपना एक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं है, कर देना है हमें इसका जलक बटन, क्या कर देना है बेटे इसका हमें, अब जलक बटन, जलक बटन का मतलब होता है कि मैं जल के लूँगा दो अणु, 2HOH, जल के मैंने दो अणु लिए हैं, कुछ नहीं है, C2H5 एक OH, C2H5 एक OH और C2H5 एक OH, क्योंकि दो OH हैं, ठीक है, और दो C2H5 हैं, तो C2H5OH हमारा दो बाहर हो गए। अब हमारे पास क्या बचा बेटे, सिर्फ CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर मेरे पास क्या बनता है, C, और ये रह गया COOH, और ये रह गया मेरे पास COOH, एक कंपाउंड बना दिया मैंने, बस अब बन के तैयार हो जाओ, कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी सिंपल सा बच्चों वाला हो गया, गर्म करे जाओ। जब गर्म करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी मेरे पास, बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगी तो मेरे पास बन जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटे, फिर C, और जब यहाँ से CO2 मैंने बाहर कर दी तो मेरे पास क्या रह गया, एक H रह गया, वो यहाँ जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा COOH, ठीक है। फिर से अगेन एक बार CO2 बाहर निकाल दो, 5 स्टेप में होती है, 1, 2, 3, 4, एक स्टेप रह गया हमारा। फिर यहाँ से क्या करोगे आप, गर्म करो और फिर CO2 यहाँ से बाहर निकाल दो, तो इस बार ये वाला CO2 गायब, तो मेरे पास क्या बन गया देखो, CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है बेटे। तो अब मेरे पास रह गया, अब जब CO2 बाहर हो गया तो H बचा मेरे पास, तो ये क्या, CH2, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन, क्या नाम है बेटे इसका, साइक्लोप्रोपेन। लो साहब, साइक्लोप्रोपेन बन गया, साइक्लोप्रोपेन। तो यह हमारी परकिन में थी, कौन सा मेथड है ये वाला हमारा, परकिन मेथड होता है। अब अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहो तो थ्योरी इसकी बड़ी ईजी होती है, जब डाईहैलाइड को मेलोनिक एसिड के साथ सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, ठीक है,
जिसका बी कार्बोक्सिलन करने पर, क्या करने पर, जिसका बी कार्बोक्सिलन करने पर या जिसको गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, साइक्लो एल्केन बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो जब डाई हैलाइड को, जब डाई हैलाइड को, ठीक है साहब, जब डाई हैलाइड को मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, के साथ C2H5 सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, गर्म किया जाता है, तो साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, जिनका बी कार्बोक्सिलन करने पर, डीकार्बोक्सीलेशन करने पर, हिंदी में कहते हैं विकार्बोक्सिलन, इंग्लिश में कहते हैं डीकार्बोक्सीलेशन करने पर, साइक्लोएल्केन बनते हैं। ठीक है, साइक्लोएल्केन बनते हैं। ओके, और इसी अभिक्रिया को, इसी मेथड को हम बोलते हैं परकिन मेथड। और एक चीज़ और, ये थ्योरी कोई मायने नहीं रखती, थ्योरी कुछ भी मायने नहीं रखती है जहाँ पर रिएक्शन आ जाती है, क्योंकि रिएक्शन जो होती है भैया बड़ी ज़रूरी होती है, बिना रिएक्शन के नंबर मिलने वाले नहीं है। नंबर किससे मिलेंगे, सिर्फ रिएक्शन पे। तो दो मेथड हो गए, एक हो गया हमारे पास डिकमैन विधि और दूसरा हो गया मेरे पास परकिन विधि, है नी। तो डिकमैन विधि, परकिन विधि, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, पढ़ेगा पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर एक और आता है अभी, और वो होता है मेरे पास वाई डाई हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड द्वारा आप साइक्लो एल्केन कैसे बना सकते हो, तो मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूँ, जिसे ना उतारा हो वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ओके, चलो साहब ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, क्योंकि रिएक्शन दोनों बड़ी बड़ी हैं यार, करा भी क्या जा सकता है, हैं भाई करा भी क्या जा सकता है, क्योंकि रिएक्शन बड़ी बड़ी हैं। अब जो रिएक्शन करवा रहा हूँ वो छोटी सी रिएक्शन है। दूसरा जो मेथड मेरे पास आता है, थर्ड जो मेथड है मेरे पास, वो थर्ड मेथड है आपका साइक्लो, यानी कि वाई डाई हैलाइड, ओके, वाई डाई हैलाइड, किसी भी डाई हैलाइड द्वारा आप कैसे बनाओगे। ठीक है, साइक्लो एल्केन। तो सिंपल सी बात है, देखो रिएक्शन थ्योरी आप खुद लिख लेना, क्योंकि बड़ी इजी थ्योरी होती है, मैं सिर्फ बताता हूँ आपको रिएक्शन। देखो ये मेरे पास एक डाई हैलाइड है, CH2Br मैंने लिया, क्योंकि Br का रिजल्ट अच्छा होता है, CH2Br। ठीक है, CH2Br, तो ये मेरे पास क्या ले लिया मैंने, एक डाई हैलाइड ले लिया, नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस सोडियम धातु के साथ, किसके साथ बेटे, सोडियम धातु के साथ क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे। ठीक है, तो जब देखो डाई हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो साइक्लो एल्केन बनते हैं, क्यों, क्योंकि 2NaBr मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2NaBr मेरे पास क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ बचेगा तो क्या बचेगा, CH2। ठीक है, और ये रह गया मेरे पास CH2। ठीक है, अब आ जाएगा मेरे पास नीचे सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मेरे पास रह गया, ओके, तो अब इसका नाम क्या हो गया, साइक्लो प्रोपेन, क्या बन गया बेटा, ये साइक्लोप्रोपेन बन गया, है ना। तो ये साइक्लोप्रोपेन बन गया, ये बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा है ना, तो सी ए ही है, ये सब बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बने हुए हैं, कभी आप H2 के बीच में सोचो, H2 को आप पहले भी ले सकते हो, H2 से भी कर सकते हो, क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड कार्बन द्वारा बनते हैं ये। तो डाई हैलाइड की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ, यानी कि जब डाई हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करते हैं तो साइक्लो एल्केन बनते हैं ना। आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हो कि भैया जब किसको, जब डाई हैलाइड को, जब डाई हैलाइड को किसके साथ में, सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो भाई क्या बनता है हमारे, तो साइक्लो एल्केन बनते हैं, ओके, तो साइक्लो एल्केन बनते हैं। ठीक है, साइक्लो एल्केन बनते हैं। ठीक है, बस बहुत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में एक रिएक्शन आती है डाई बेसिक अम्लों के, कैल्शियम या बेरियम लवणों द्वारा। ठीक है, यानी कि वाई डाई बेसिक एसिड, मैं लिख दे रहा हूँ उसको हेडिंग में, थर्ड नंबर मेरे पास ये हो गया, और अगर मैं चौथा नंबर लिखूँ, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको इरेज करना है, क्योंकि रिएक्शन आगे भी बड़ी होने वाली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको मैं कर देता हूँ, छोटी सी रिएक्शन थी बच्चों वाली, आराम से आपने कर ली होगी। ठीक है, अब जो रिएक्शन करवा रहा हूँ वो थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक यार, सारी की सारी रिएक्शन इसकी बड़ी है, काफ़ी बड़ी रिएक्शन है इसकी, किसकी, साइक्लो एल्केन की। तो अब जो मेरे पास फोर्थ नंबर आता है वो आता है वाई कैल्शियम या बेरियम। ठीक है, वाई कैल्शियम या
वेरियम सल्ट ऑफ डाई बेसिक एसिड ओके डाई बेसिक एसिड यानी कि डाई बेसिक एसिड्स तो डाई बेसिक अम्लों के ठीक है कैल्शियम या बेरियम लवण द्वारा ठीक है। तो अब देखो करना क्या, सबसे पहले रिएक्शन पे ध्यान देना, आप रिएक्शन समझ गए तो आप थ्योरी खुद लिख लोगे अपना आप। देखो सबसे पहले ना एक काम करते हैं हम, CH2 सिंगल बोन CH2 ठीक है, सिंगल बोन COO ये लिया मैंने बेरियम रिजल्ट, क्योंकि बेरियम का अच्छा रिजल्ट होता है किससे, कैल्शियम से ठीक है। इधर भी मैं सेम कहानी लूँगा, यही सी सिंगल बोन CH2 और फिर CH2, तो ये बेटे लवण है, किसका लवण है, ये है तुम्हारे पास बेरियम लवण है यानी कि डाई बेसिक एसिड का बेरियम लवण है, क्या है ये, डाई बेसिक एसिड का बेरियम सल्ट है ओके। करना क्या है आपको बेटे, इसको जो करना है हमें वो कर देना है गर्म, क्या कर देना है हमें गर्म, जब आप गर्म कर दोगे तो सिंपल सी बात है बेरियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो BaCO और AO, तो यहाँ से मेरे पास बेरियम कार्बोनेट बाहर कर दे रहा हूँ मैं, BaCO3 मेरे पास बाहर हो गया। अब जब बचा मेरे पास वो बचा CH2 सिंगल बोन CH2, फिर क्या बचता है मेरे पास CH2 और फिर बचा मेरे पास CH2, खाली मेरे पास बेरियम COOO, खाली मेरे पास रह गया CO, तो ये बन गया मेरे पास साइक्लिक कीटोन, क्या बन गया बेटे मेरे पास साइक्लिक कीटोन बन गया। क्या नाम है इसका, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, क्या नाम है साइक्लोपेंटेनोन, ओन लगा पड़ा तो साइक्लोपेंटेनोन। अब देखो कुछ नहीं करना है, साइक्लो कीटोन का क्या करने पर, अपचयन करने पर क्या बनता है हमारे पास, साइक्लो एल्केन बनते हैं, यानी कि इसको पकड़ लो, ये फर्स्ट स्टेप मांगे चल लो, और जो मेरे पास सेकेंड स्टेप आता है इसका, सेकेंड स्टेप में हमें कुछ नहीं करना पड़ता, CH2 ठीक है सिंगल बोन CH2 और ये मेरे पास क्या है बेटे CO है, और ये मेरे पास हो गया CH2, फिर मेरे पास CH2 और साइक्लिक कीटोन का जब मैं करता हूँ अपचयन, वो भी कौन सा अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, जो कि मैंने डिकमैन मेथड में करवाया है। जब क्लीमेंसन अपचयन करोगे 4H के साथ में जिंक प्लस अमलगम की उपस्थिति में, और भैया हमारा बिलियन रहता है HCl, तो मेरे पास क्या होगा 2H यहाँ जुड़ जाएगा और 2H यहाँ से क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे, यानी कि H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा और अंदर क्या बन जाएगा मेरे पास CH2 सिंगल बोन CH2, फिर मेरे पास बन जाएगा CH2 सिंगल बोन CH2, फिर क्या बचा मेरे पास CH2, इसका मतलब क्या बना ये साइक्लोपेंटेन, क्या बन गया हमारा ये साइक्लोपेंटेन। अब थ्योरी बड़ी इजी है, थ्योरी बड़ी इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि भैया जब आपने रिएक्शन बना दी तो थ्योरी क्या मायने रखती है, फिर थ्योरी आप आराम से भी ले सकते हो। क्या थ्योरी है मेरे पास, थ्योरी यह है कि जब देखो किसको, जब किसको कि जब कि जब ठीक है डाई बेसिक एसिड के डाई बेसिक एसिड के डाई बेसिक एसिड के कौन सा सेट बेरियम या कैल्शियम सल्ट को मतलब लवड़ को ठीक है लवण को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो क्या बनते हैं, तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं, तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं, साइक्लिक कीटोन बनते हैं। ध्यान देना जरा, जब डाई बेसिक एसिड के बेरियम या कैल्शियम सल्ट को गर्म किया जाता है तो डाई बेसिक साइक्लिक कीटोन बनते हैं, बन गया साइक्लिक कीटोन जिसका अपचयन करने पर चलो मैं हैदर नीचे चलो यहीं रहने दो यार, जिसका अपचयन करने पर क्या बनता है, जिसका अपचयन करने पर ठीक है साइक्लो एल्केन बनते हैं। ये थ्योरी आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो ठीक है, अगर जगह ना छोड़ी होगी तो थ्योरी आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो। तो सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ है, ये चीज़ है मेरे पास डाई बेसिक अम्लों के बेरियम या कैल्शियम सल्ट को जब गर्म करते हो आप तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं, और जो साइक्लिक कीटोन होते हैं इसका नाम क्या है साइक्लोपेंटेनोन ठीक है, जो साइक्लिक कीटोन होते हैं उनका अपचयन करने पर हमारे पास क्या बन जाता है साइक्लिक कीटोन का, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लेना HCl ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी मैंने इसलिए लिख दिया था, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब साइक्लिक कीटोन का अपचयन करते हो क्लीमेंसन अपचयन, तो मेरे पास क्या बनता है साइक्लो एल्केन बनता है, सब बोला था साइक्लोपेंटेन यहाँ पे ठीक है, तो कोई सा भी एल्केन यहाँ बना सकते हो, कोई सा भी साइक्लो एल्केन यहाँ बना सकते हो। तो साइक्लो एल्केन बनाने के कितने मेथड हो गए हमारे पास, हो गए 4 मेथड, और चारों के चारों मोस्ट हैं। देखो ये मेथड अलग अलग भी पूछ सकता है पेपर में आपसे, डिकमैन मेथड अलग पूछ सकता है कि भैया साइक्लो एल्केन बनाने का डिकमैन मेथड की रिएक्शन दीजिए, या परकिन मेथड दीजिए साइक्लो एल्केन बनाने के, या फिर एक साथ पूछ सकता है कि साइक्लो एल्केन अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि भाई साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, इनका नामकरण कैसे किया जाता है, और साइक्लो एल्केन बनाने की विधियाँ दीजिए ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन के रासायनिक गुण, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।